कर दिया। अहिल्या उठ करके खड़ी वही भगवान के चरण स्पर्श किए और वहां से वो परमधाम के लिए प्रस्थान किया है। भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। धीरे धीरे भगवान और आगे बढ़े। विश्वामित्र जी के संग में महाराज जनक के फूल बाग में पहुंचे भगवान राम। और भगवान श्री राम जब जनक के फूल बाग में गए हैं, अपने गुरुदेव जी की सेवा में लग गए, पैर दबाने लगे। और जैसे ही पैर दबाए से विश्वामित्र बोले, हे राम कहिए गुरुदेव, जनक के फूल बाग में हम कम आ गए हैं। तने कंदर बाग में चले जाओ, थोड़े फूल ले आओ। पैर दबा रहे थे दोनों भाई, गुरु जी की सेवा कर रहे थे, आदेश दिया है तो एकदम से उठ करके दोनों भाई चल दिए। भगवान श्री राम से सवतारी लक्ष्मण ये विश्वामित्र जी की आदेश अनुसार जब फूल लेने चले हैं, और जब चले We'll be right back.
भगवान राम की बरसों से हम तारीफ सुनते थे, भाई प्रभु राम का दर्शन हो गया हमें, और लौट करके भागी और सीता जी का हाथ पकड़ करके जवाब दिया, सहेली जिन भगवान श्री राम की हमने तुमने तारीफ सुनी थी ना, वही भगवान फूल बाग में आए हैं, अपने छोटे अनुज के संग में बैठे हैं, मैंने अपनी आंखों से दर्शन किया। सीता जी कहने लगी है तलक वे यहाँ आएंगे क्यों, वो महाराज दशरथ जी के राजकुमार है, वो यहाँ थोड़ी नहीं आएंगे, वो कोई साधारण थोड़ी नहीं है, तूने तो किसी और को देखा होगा, तू समझ नहीं पाई। बोले हम समझ नहीं पाए, मैंने पहचान लिया वही भगवान राम है, तुम मेरी बात मानती कब हो, तुमने मेरी बात पर विश्वास किया ही कब है। और बोली सुनो सजनी नागर कहने लगी हम अपने